है, यहाँ पे अभी भी लोग है, कुछ लोगों को जाना पड़ा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट अधिक से अधिक 10 मिनट का समय लेंगे। देखिए जीवन में सक्सेस हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन कोई एक चीज हमें रोकते है, और जब तक हम उनको ढूंढने निकलेंगे ना, जीवन में कुछ नहीं हो पाएंगे। अब जो भी लोग स्टार्टिंग से लेके अंत तक इस प्रोग्राम को सुन रहे, यहाँ पे एक एक व्यक्ति उनके जो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करके गए, हालांकि आज स्टेज था, क्राउड मेंबर्स और अभाव आप लोगों को सुनने का मौका मिला है, लेकिन एक चीज देखिए, कोई बोल रहा है यहाँ पे क्राउड एम्बेसडर, कोई बोल रहा है डबल क्राउड एम्बेसडर, कोई बोल रहा है ट्रिपल क्राउड एम्बेसडर। कौशिक जी ने उनका जो एक्सपीरियंस है, आपने जोश के साथ आप लोगों के सामने प्लान शेयर किया, आखिरी में स्टैंड से रखे कंपनी का क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, हर एक चीज को शेयर किया। मुझे लास्ट 4 साल से इस स्टेज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ना जाने कितने नया चेहरा यहाँ पे आ रहा है और कितने चेहरा जा रहा है, उनके अंदर लोगों को सक्सेस मिल रहा है। मैं बोलता हूँ हमेशा, ये जो इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में खड़े रहने का धंधा, और इस इंडस्ट्री में खड़े रहना बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। जीवन के अंदर आपको हर एक चीज चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सम्मान, जैसे भी एक ही चीज तो है जो हमें रोकता है, और जिस दिन पता चल जाता है कौन सा चीज है जिस कारण के लिए हमें सक्सेस नहीं मिलता है, उस दिन ही आपको सक्सेस मिलता है। क्या आपको पता है आपको कौन सा चीज रुकते है? एक ही चीज है जो चीज हमें हमेशा रुकते है, और जिस दिन इसका तलाश हमें मिल जाते है, उस दिन हमें कोई रोक ही नहीं सकते। हमने पीछे भी ये कहानी बताया था, आज समय काम को कोई मोटिवेशन की जरूरत है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। एक राजा ने एक गिफ्ट दिया था और गिफ्ट उस राजा को काफी पसंद आया। वो गिफ्ट क्या था आपको पता है? वो गिफ्ट था बाजपाखी, पता है आपको? सबसे ज्यादा जो उड़ान मारते, राइट? तो उन्होंने जो पहला राजा को जो गिफ्ट दिया था, उन्होंने दो पंछी दिए थे और राजा को बोला था, ये जो बाज पंछी है ये आपको बहुत अच्छा शिकारी के रूप से मैं आपको देख रहा हूँ। तो राजा बहुत खुश हुए, खुश होने के बाद उन्होंने उनके मंत्री के पास दो बाज पंछी दे दिए, और देने के बाद उन्होंने बोला, इसका नाखून बहुत शानदार है और आने वाले दिन के अंदर ये बहुत अच्छा उड़ान भरेगा और आपने युद्ध के लिए बहुत अच्छे काम आएंगे। ये सोच करके राजा ने मंत्री को दिया, तो मंत्री ने 1-2 महीने के बाद ये बताया कि सर, आपने, राजा जी आपने मुझे 2 बाज पंछी दिया, लेकिन 1 बाज पंछी बहुत उड़ान मारते और 1 बाज पंछी की उड़ान मरती नहीं है। तो इसका रीजन क्या रहा? तो इन्होंने, राजा ने बोला कि आप एक काम करो, दूसरे कोई ट्रेनर को लेकर आओ, लेके उनको ट्रेनिंग करो, ट्रेन करो, हो ही नहीं सकता है। एक ही 5 पंछी के 2 बच्चे हैं और उनमें से एक उड़ान मार सकते हैं, दूसरा उड़ान मार नहीं सकता, हो ही नहीं सकते। सो सब लोगों ने लगा कोशिश किया उसको उड़ाने के लिए, लेकिन वो 5 पंछी उड़ते ही नहीं है, और एक जब उड़ान मारते तो दुनिया देखते रहते हैं। तो ऐसे मंत्री बहुत परेशान थे, राजा को जाके बोल रहा, राजा बोले मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे आज देखना है, तुम्हें आता आने के बाद देख रहे कि 1 बाज पंछी बहुत उड़ान मार रहा है और 1 बाज पंछी जो है उड़ान ही नहीं मार रहे। सो सब लोग हैरान है, और एक जुआ आते आके बोलते, मैं ये जो दूसरा जो पंछी है इसको मैं उड़ा सकता हूं। सो मंत्री ने सोचा, मैंने कितना ट्रेनर को लेकर आया, कितना कुछ क्या कर नहीं सकते, ये बंदा, एक गांव का बंदा क्या कर सकते। उस गांव के बंदा आके, सिर्फ एक ही चीज है जो हमें रोकता है, उस चीज को उन्होंने ढूंढ के निकाला। क्या है पता? जब 2 पंछी को उड़ाया जाता था, 2 बाज को उड़ाया जाता था, 1 बाज उड़ान मारते थे और 1 बाज जाके एक पेड़ पे जाके बैठते थे, और उस गांव के लड़का ने क्या किया, सुबह आके उस पेड़ को काट दिया और 2 पंछी को उड़ा दिया, 2 पंछी उड़ के चला गया। और साले हमारा तो एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओगे ना, आप भी उड़ान मार सकते हो, आपको भी सक्सेस मिल सकते है, आपको भी स्टेज मिल सकता है, आपको भी ताली मिल सकते है। एक ही प्रॉब्लम है जो हमें रोकते है, वो है अपने कंफर्ट जोन। हमारे अंदर एक ही दुख है, हम गरीब है, हमारे अंदर एक ही दुख है क्योंकि मेरा अपलाइन सही नहीं है, हमारे पास एक ही दुख है क्योंकि हमें पावर लाइन नहीं मिला है, और इसके लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए खुद को पहले तलाशना बहुत जरूरी है। हम सोचते बहुत कुछ लेकिन करते कुछ नहीं है। इस जीवन के अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप कौन सा एक्शन लेना चाहते हो।
आपके जीवन के अंदर एक्शन बहुत जरूरी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करना है, एक ही तो है, हमें कोई प्रोडक्ट लेके जुड़ना है और दो लोगों को जुड़ना है, दो लोग चार लोगों को जुड़ेंगे, चार लोग आठ लोग को जुड़ेंगे, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएंगे और घर के अंदर पैसा आते रहेंगे। यही अपना सोचे नहीं, हमें सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। एक पेड़ भी लगाता है तो उस पेड़ में शाद भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, उसके बाद हम पेड़ से फल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप कैसे सोच रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओगे, दो व्यक्ति को जोड़ दोगे, दो व्यक्ति चार व्यक्ति को लेकर आ जाएंगे, आपके घर पे पैसा आ जाएंगे, ये सोच से नेटवर्किंग नहीं होता है। 17 साल उम्र में इंडस्ट्री में आए, ना जाने कितने ना सुना, ना जाने कितने लोगों का ताना सुना और आज कंपनी खुल के बैठा हूं, और ना केवल कंपनी खुल के बैठा हूं और इस 4 साल के अंदर इंडिया में राज कर रहा हूं। एक ही कारण था वो है दोस्तों, जो कॉम्फर्ट जोन में रह जाएगा ना कुछ नहीं होगा। सास घर से बाहर जाने नहीं देता है, हस्बैंड किसी के साथ बात करने नहीं देता है, माँ बोलते हैं पढ़ाई कर, दोस्त बोलते हैं नहीं होगा, गर्लफ्रेंड बोलता है हाथ पकड़ के घूमने के लिए चलो। एक ही सोच है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन के अंदर ये तय होना जरूरी है, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन के अंदर लक्ष्य क्या है। आपके जीवन के अंदर आपके लक्ष्य को निर्धारित कर नहीं पाएंगे दोस्तों, जीवन के अंदर कुछ नहीं होने वाले। दोस्तों आज आप कलकत्ता में बैठे हो, आज कलकत्ता के अंदर जिस कंपनी के साथ काम करो, इस कंपनी से लोग महीने में 20 लाख का भी पेआउट ले रहे हैं और वही कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। जो बंदा 20 लाख का पेआउट ले रहा है वो है वो बाज जो कंफर्ट जोन में जाकर कभी नहीं बैठा है, और आज जो 2000 का भी पेआउट ले नहीं पा रहे हो, आप है वो बाज जहां पे कंफर्ट जोन में बैठ गए हो। कौन है वो? है आपके माँ, वो है आपके पिता, वो है आपके गर्लफ्रेंड, वो है आपके दोस्त, वो है आपका सोच। इधर से आपको निकलना तो पड़ेगा। निकलना पड़ेगा जीवन के अंदर एक ही तो चीज है जो है सोच, और मैं हमेशा बोलता हूं एक बार सोच के तो देखो। जीवन के अंदर आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाता है। दोस्तों आपको वो कंपनी मिल गया जो कंपनी शुरुआत के दिन में डिक्लेयर किया था 2018-2025 का टॉप 5 है। ना जाने कितने लोग आज भी देख रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, आज तो लोग समझ चुका है इस बार तो गोपाल कुंडू करके ही लेगा। सोच जीवन के अंदर हर एक काम में परेशानी है, हर एक काम में परेशानी है, हर एक चीज के अंदर कठिनाई है, हर एक कठिनाई, हर एक परेशानी दूर हो सकता है अगर आप सोचते हो। ये तो कमो नहीं, ये तो होना ही है दोस्तों। अगर जीवन के अंदर चलना है तो गिरना जरूरी है। जितने बार गिरोगे उतने बार खड़े होगे, जितने बार खड़े होगे उतने बार उड़ान भरोगे, क्योंकि उड़ान भरने के लिए सोच ही तो चाहिए। आज सुबह से लेके आप घर के बाहर निकले हो, आपके सोच आपको यहाँ पे लेकर आए, और 3 बजे से लेके अगले 7:30 बजे तक यहाँ पे बैठे हो, 7.5 घंटा आप दे चेको, ये भी आपका सोच है। अभी तो आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, और खुद के जीवन के अंदर जितने सारे परेशानी है उस परेशानी से आपको बाहर निकलना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मीटिंग यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।